उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता उरई के मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने उरई में शिक्षा की अलग जगह रहे मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल उरई के मैनेजमेंट की दिल कर खोल कर तारीफ की। राज्य मंत्री ने प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कार बांटने के साथ स्कूल के परिसर और वातावरण को बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अनुकूल बताया। उन्होंने कहा, जब से योगी सरकार ने कमान संभाली है, तब से स्कूलों की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हुई हैं। साथ ही प्राइमरी का बच्चा अपनी तुलना प्राइवेट स्कूलों से करने लगा है और उसके अंदर स्वाभिमान जागा है और उसे पढ़ने की ललक बढ़ी है। ये बात उत्तर प्रदेश सरकार के नगर बोर्ड के राज्य मंत्री महेश कुमार गुप्ता ने उरई में आयोजित मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल के कार्यक्रम में कही। राज्य मंत्री ने अभिभावकों से कहा, जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, उनकी सरकार में लगातार शिक्षा की व्यवस्था में सुधार हुआ है। साथ ही पहले जो प्राइमरी का बच्चा अपने आप को हीन भावना से देखता था और स्वाभिमान के साथ खड़ा हो रहा है और वह अपने आप को प्राइवेट स्कूलों से तुलना कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन सुधरता जा रहा है और नकाराध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। उन्होंने बताया कि नकाराध्यापक 2 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो उनका वेतन रोक दिया जाता है, इसलिए अब योगी सरकार में शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन ऊंचा उठ रहा है। आज मिलियन विद्यालय जो है, इसमें जो अभी होनहार छात्रों को पुरस्कृत किया गया है और पुरस्कृत इसलिए किया जाता है, मेरा मानना है और मैं कहता हूँ कि कोई अच्छा व्यक्ति हो, छात्र हो, अध्यापक हो, अधिकारी हो, कोई भी अच्छा हो, उसका इतना सम्मान करो मजबूर हो जाए उसी रास्ते पर चलने के लिए, मजबूर हो जाए उसी रास्ते पर चलने के लिए। जब हम बच्चों को प्रोत्साहन करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनके अंदर ये भाव पैदा होगा कि हमें और आगे बढ़ना चाहिए और जो बच्चे आते हैं उनके मन में ये भाव आना चाहिए कि हाँ, हमें आगे अच्छी मेहनत करें तो हमारे लिए सम्मान मिलेगा। मुख्य रूप से यही उद्देश्य होता है। सर, योगी सरकार जब से आई है, उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से बदलाव सरकार के द्वारा किए गए? योगी सरकार जब से आई है, माननीय मुख्यमंत्री ने जब से, माननीय योगी आदित्यनाथ ने जब से कमान संभाली है, तो मैं ये भाव कह सकता हूँ, आज प्राइमरी का बच्चा भी स्वाभिमान से रह रहा है। वो पहले पड़ोस का बच्चा जब अच्छे विद्यालय में जाता था, मॉन्टेसरी विद्यालय में जाता था, और जो गरीब बच्चा प्राइमरी में जाता था, उसके मन में ये भाव रहता था कि मेरे पिताजी कुछ गरीब हैं, क्योंकि जिस विद्यालय में वो जाता था उसमें फटे हुए फर्श होते थे और ड्रेस किसी तरह से होती नहीं थी, उस विद्यालय की चार दीवारी होती नहीं थी, उस विद्यालय में टीचर पढ़ाने आते नहीं थे, आते थे तो चले भी जाते थे। आज वही बच्चा स्वाभिमान के साथ उस विद्यालय में जाता है, जब वो उस विद्यालय में जाता है तो उसको वहाँ कुर्सी मिलती है, स्वाभिमान से उसमें बैठता है। आज उसको ड्रेस ऐसी मिलती है, गुलाबी शर्ट ऐसी होती है जिसमें उसका चेहरा गुलाबी दिखता है। आज उस विद्यालय की बाउंड्री वाल बनी हुई होती है और ऐसे उसमें महापुरुषों के चित्र होते हैं जिससे उसे देशभक्ति की भावना मिलती है, देश के लिए समर्पण की भावना मिलती है। अच्छे अच्छे उसमें चित्र होते हैं जिसमें उसे शिक्षा मिलती है और विद्यालय में जो पढ़ाई होती है, अगर अब आज के ज़माने में अगर हमारा सम्मानित आचार्य है या जो टीचर है 2 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो उनका वेतन रोक दिया जाता है, तो शिक्षा का स्तर हमारे इस शासन में बहुत बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।